देखिए फिर एक और मतलब कितना ही बताएं। और देखिए लेफ्ट साइड में भी अब आने लगे, बस अब बीच वालों की कमी थी, देखिए बीच में भी आ गए। अरे यार ये ऑटो वाला, हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। अभी तो बढ़िया थे बट अभी बढ़िया नहीं रहते, अभी सस्ते में ही चल जाते। कार पता नहीं अचानक से आ गया, मिरर में तो देख रहे थे बट मिरर में तो कुछ दिखाई नहीं, बाल बाल बच गया जो भी हो, वरना गलत ही नहीं हो जाता वीडियो के स्टार्टिंग में ही। फिर कॉलेज जाना लेट हो रहा है पहले ही, और अगर लग जाता तो पक्का एग्ज़ाम छूटने वाला था मेरा। अभी मेन रोड पे पहुँच गए गाइस, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, एग्ज़ाम के लिए पहले से ही लेट हो चुके हैं और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो गैप मारते हुए चलेंगे, अपनी सस्ती गैपिंग करते हुए चलेंगे, आप लोग राइड इंजॉय कीजिए। तो गाइज आप लोगों को कैसी लगी मेरी सस्ती गैपिंग, अगर आप लोगों को मेरी सस्ती गैपिंग पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब भी अभी के अभी कर दें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज अभी चिरैयाटाल पुल क्रॉस कर चुके हैं, उधर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया उधर ही। अभी सामने रास्ता हल्का खाली दिख रहा है जीपीओ का नंबर फ्लाईओवर, तो वहाँ पे चढ़ाते के साथ बाइक भगाएंगे, आप लोग राइड एंजॉय कीजिए। कॉर्नरिंग करने का तो जगह मिल गया गाइस, तो कॉर्नरिंग कर लिए, बट आगे हल्का हल्का ट्रैफिक दिख रहा है, ज़्यादा नहीं है, तो चलिए बाइक भगाते हैं यहाँ से, जल्दी से निकलते हैं। गाइज अपनी सस्ती बाइक तो बहुत ही ज़बरदस्त भागती है, क्या बताएं, बहुत ऑसम, और लीन भी बहुत प्यारी होती है, तो चलिए लीन करते हैं।
यहाँ देखिए सभी लोगों को अपने अपने महंगी गाड़ियाँ लेके रॉन्ग साइड में आए पड़े हैं। पता नहीं राइट साइड चलने में लोगों के लिए क्या ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्या ही कष्ट हो जाता है। देखिए फिर एक और मतलब कितना ही बताएं। और देखिए लेफ्ट साइड में भी अब आने लगे, बस अब बीच वालों की ही कमी थी, देखिए बीच में भी आ गए लोग। सब सारे लोग अपने अपने महंगी गाड़ी को ले करके रॉन्ग साइड में क्यों ही घुसते समझ में नहीं आता। और ये ई रिक्शा ये भी रॉन्ग साइड में, अब इन लोगों के लिए क्या ही बोले, पूरा का पूरा रॉन्ग साइड से चलने वाले भरे पड़े हैं यहाँ। बाइक तो एकदम ऑसम लीन हो रही है। बारी आ गई अपनी सस्ती कॉर्नरिंग की, तो चलिए कॉर्नरिंग करते हैं। तो गाइज मेरे इस सस्ती कॉर्नरिंग के लिए एक लाइक तो बनता है गाइज, लाइक जरूर से कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें आप लोग। यहाँ पर भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक, तो चलिए अपना सस्ता और पुराना वाला स्किल यूज़ करते हैं, गैपिंग वाला, और यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। पूरा का पूरा रॉन्ग साइड में आकर के ओवरटेक कर रहा है। ओवरटेक करना होता है तो भाई पूरा लेन चेक कर लो, सही से गैप देख के घुसाओ। और यहाँ का क्या ही बताएं आप लोगों को, यहाँ पे तो हमेशा मेरे साथ ऑलमोस्ट गलत सीन हो ही जाता है। स्पीड में जाते रहते हैं, पूरा का पूरा ब्लाइंड जोन है, उधर से कुछ दिखता ही नहीं है कौन आ रहा है क्या आ रहा है। और अचानक से सभी के सभी लोग बीच रोड पर मिलते हैं, एकदम बीच रोड पर हालत ही ख़राब हो जाता है, बार बार बसते हैं यहाँ पर हमेशा। तो गाइस अभी आशियाना पहुंच चुके हैं, आगे से मुझे बस एक लेफ्ट टर्न लेना होगा आशियाना दिखा रोड पे और स्ट्रेट जाएंगे, कॉलेज पहुंच जाएंगे। अरे यार ये ऑटो वाला, अरे यार ये...
ये ऑटो वाला बिना इंडिकेटर चलाए हुए टर्न मार रहा है। आंटी बीच रोड पे चलते ही जा रही है, मतलब यहाँ पे किसी को किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, हर कोई अपने अपनी मर्जी का करता है। और ऑटो वाले वो तो बस दिमाग में यही मान के चलते हैं, मेरी गाड़ी महंगी है मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा, बाकी दुनिया जाए कद्दू लेने। अभी गाइस स्केट मारने में बाइक से तो बहुत मज़ा आया, पूरा पीछे वाला व्हील स्केट करते हुए जा रहा था, पूरा कंट्रोल्ड वे में बहुत मज़ा आ रहा है, राइड का काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताएं आप लोगों को राइड में मज़ा आ रहा है या नहीं। ये लोग क्यों आ जाते हैं रोड पे, अभी तो बाल बाल बचे, ये लोग रोड पे आ जाते हैं पता नहीं महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके क्या सोच के उतर जाते हैं रोड पे, जैसे सिर्फ मेरी ही गाड़ी रोड पे चलेगी और किसी की तो कुछ चलने ही नहीं देंगे आज। गाइस अभी कॉलेज के पास पहुंच चुके हैं, तो वीडियो को अब छुट्टी में कंटिन्यू करते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस एग्ज़ाम ख़त्म हो गया अपना, एग्ज़ाम ठीक ठाक गया है, तो अभी आए हुए हैं हज भवन के साइड में, कॉर्नरिंग करते हुए चलेंगे। वीडियो को कॉलेज से निकलने टाइम इसलिए कंटिन्यू नहीं किए क्योंकि फ्रेंड्स सबके साथ थे, तो इसलिए वीडियो को उस टाइम पर कंटिन्यू नहीं किए। अभी अकेले हैं तो वीडियो कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, कॉर्नरिंग करते हुए घर जाएंगे मज़े लेते हुए राइड के। ये देखिए दोनों के दोनों रॉन्ग साइड में साथ में बात करते हुए आ रहे हैं, बगल से ही रोड जाता है जो कि राइट साइड होगा, बट ये सब नहीं रॉन्ग साइड में ही चलेंगे। वाह भैया R15 वाले भी। तो गाइस मेरी सस्ती कॉर्नरिंग के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और बात करें तो हम लोग रॉन्ग साइड वालों की, ये दोनों भैया तो आगे से गए ही रॉन्ग साइड में, फिर पीछे से R15 वाले भैया भी रॉन्ग साइड में ही जा रहे हैं। क्यों भाई रॉन्ग साइड में क्यों जाना है, आप लोगों को समझ में नहीं आता, रॉन्ग साइड में नहीं जाना चाहिए। तो गाइस अभी इनकम टैक्स कोलंबर के पास पहुँच गए, यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक दिख रहा है पता नहीं क्यों, दोपहर का टाइम है अभी तो ट्रैफिक नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे निकलते हैं यहाँ से। बाल बाल बचे, आज का दिन लगता है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हद से ज़्यादा गलत सीन होते ही जा रहा है मेरे साथ। अभी भी मुझे नहीं लगा था कि ये इस साइड से जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाली था, तो मुझे लगा ये लेफ़्ट में जाएगा तो मैं आराम से घुस के गैप में से निकल जाऊँगा, पर नहीं गलत सीन होते होते रह गया। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, स्पेशली गलत सीन के लिए और सस्ती गैपिंग और कॉर्नरिंग के लिए भी,
तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो को सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।